वहीद, वहीद उठिए, सेरी का टाइम हो गया। वहीद उठ जाए, सेरी का टाइम हो चुका। अभी तो आग लगी थी। चलो तुम जाओ, सेरी की तैयारियां करो, मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप साथ ही चले, क्योंकि अगर आप दोबारा सो गए ना तो फिर आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा। चले। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है अम्मी के हाथ के बने पराठों की। एक अरसे के बाद आज मुझे आराम मिला है अम्मी की वजह से, कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। चले जल्दी उठे, अम्मी ने काफी इंतजाम किया होगा, मुझे पता है। उठ जाइए, जल्दी उठिए। खुश होगी, ले लीजिए। अम्मी आपने नाश्ते से पहले वाली दवाई ले ली है? हाँ बेटा, वही ले रही हूँ मैं। और देखो भाई, मुझे तो आज ब्रेड दे देना, ये जो पराठा है ना, इसने कल सारा दिन मुझे बहुत ही तंग किया है। नानो को ब्रेड दो। बाबा फोन तो रख दे, एटलीस्ट खाते वक्त। ओके चलो, शुक्र है कि अपनी बेटी के कहने पे तो आपने फोन रख दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? ये कर रहा है शहरी स्नैपचैट, जबकि सारे जमाने को दिखाने देगा ना कि आज शहरी में क्या ठूसा, तब तक इससे कुछ हजम नहीं होता। तुम चुप हो। बेटा देखो, ये जो गरीब सफेद पोश लोग होते हैं ना, इनका दिल खराब होता है इस तरह की बातें करके, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरे कौन? दोस्त है मेरे। अच्छा भाई ठीक है, तजीला कल से ये पराठे और अंडे नहीं होने चाहिए, मैं रोज ये नहीं खा सकता। से बाबा कल हम लोग बाहर सैरी करेंगे फुल जबरदस्ती। बेटा वीकेंड पर। ठीक है, कम से कम रमजान भी तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ये जो मिर्च मसाले वाली चीजें और तली हुई चीजें होती है ना, सारा दिन जो इंसान को प्यास लगती रहती है, खासकर सैरी में चीजों से जरूर परहेज करना चाहिए। चाय मेरी कमरे में भिजवा देना। मेरी बात तो सुनिए, नाश्ता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल रैब फी हुदल्लिल मुत्तकीन। لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. तो अब मैं अपने घर में अपनी मर्जी से उठ नहीं सकता, मैं अपने कमरे में आके चाय नहीं पी सकता, क्योंकि तुम्हारी अम्मी की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। जब आप हर वक्त उनके सामने मुंह बना के गुस्से में बैठे रहेंगे तो वो तो हर्ट होंगी ना, और वैसे भी वो यहाँ पे मजबूरी के तहत रुकी हुई है। एक बार भाई और भाभी आ जाए फिर वो वापस चली जाएंगी। आप तो हर वक्त ही उनके तो तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मैं हर वक्त क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो जो रोज कर रही है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। बात बात पे बच्चों को टोकती है, ये मत करो वो मत करो। तंजीला मुझे तो अब उनसे बात करते हुए डर लगता है कि नसीहतें शुरू हो जाएंगी, लेक्चर मिलेगा मुझे। सिर्फ 3 हफ्ते में आपका सब्र खत्म हो गया। 5.5 साल आपकी माँ के साथ भी रही हूं मैं, जब मुझे उनकी बातें बुरी लगती थी वो भी तो यही सब बातें करती थी, तब आप मुझे क्या कहते थे कि सब्र करो बर्दाश्त करो, उनकी उम्र का तकाजा है। तो क्या मेरी माँ की उम्र का कोई तकाजा नहीं? अब तुम मेरी मरी हुई मां को इस सबके बीच में लाओगे? आप तो मेरी जिंदा और सलामत मां को इन सबके बीच में ला रहे हैं, तो क्या यह जायज है? या अल्लाह इस घर को मोहब्बत से बरकत से भरते परवरदिगार, अल्लाह सबर
और बर्दाश्त की बरकत से भरते परवरदिगार, अपनी रहमतों और नेमतों से भरते या मेरे रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि इफ्तार के लिए क्या बनाऊं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए, आते वक्त बस फ्रूट्स लेते आइएगा, बाकी सब तो है। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मामा? तो तुम्हारे बाबा की ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। अभी कल क्या कह रहे थे, 3 दिन से फ्राइड आइटम खा के मेरा दिल भर गया, अब मत बनाना। और अब कह रहे हैं समोसे पकौड़े रोल सब बना लो। मामा थोड़ी देर पहले सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड आए थे, ज़कात या फितराने की बात कर लेते। मैंने उनसे कहा कि 15 मिनट बाद आ जाइएगा, पापा उनसे बात कर लें। एक तो ना इन लोगों के मुंह कभी बंद नहीं होते, कल मना किया था और आज फिर मुंह उठा कर आ गए। इनकी ज़कात कभी खत्म नहीं होती, जब देखो ज़कात ज़कात ज़कात। खैर ये बताओ नानो कहाँ है? नानो वो मेड के सर पे खड़े होकर उनसे वॉशरूम साफ करवा रही है। अल्लाह अम्मी के हाइजीन मसले, मुझे लगता है ये इस मासी को भी भगा देंगी, मैं खुद ही देखूं जाके। तंजीला इस तरह नहीं होता, देखो बॉस को अकेले नहीं बुला सकते, लोग बुरा मान जाते हैं, हमें अपने कॉलीग्स को बुलाना पड़ेगा। उनके साथ फैमिलीज भी होंगी? ऑब्वियसली फैमिलीज के साथ आएंगे तंजीला, अगर सिर्फ बॉस को कराना होता है तो किसी रेस्टोरेंट नहीं जाता। और वैसे भी कंफर्म नहीं है कि बॉस आते हैं या नहीं आते, लेकिन फिर भी ऑफिस में मैंने इंप्रेशन तो डाल दिया कि भाई मैं हर साल 3 बड़ी इफ्तार पार्टीज कराता हूँ, एक फैमिली के लिए, एक दोस्तों के लिए और एक कॉलीग्स के लिए। जी हाँ आप फैमिलीज के लिए तो करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए तो। तंजीला प्लीज उसमें नया ड्रामा नहीं करूँगा, ये सब मैं अपने लिए नहीं करा, हमारे लिए करा। तुम्हारे सामने है सब कुछ, 3 साल से मेरी प्रमोशन रुकी हुई है, क्या चाहती हो तुम? ये नए बॉस आए हैं, I need to be in his good books. Please मेरी मदद कर दो। Okay, कब करना है? यार coming week में करते हैं कुछ। Fixed plan कोई भी नहीं है, जैसी कोई notification आती है। ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, कोई 5-6 families होंगी सर। 5-6 families? हाँ। शुक्र है कि अम्मी मेरे साथ हैं इस वक्त, आधा काम वो संभाल लेंगी। मुझे तुम्हारे अम्मी के हाथ के बैंगन के पकोड़े या खजूर की चटनी नहीं खानी प्लीज। तुम्हारे पास 4-5 दिन है, अच्छा सा मेन्यू डिसाइड कर लो, ठीक है? किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन है, इंप्रेशन इज एवरीथिंग, ठीक है? ओके थैंक यू, मैं चेंज करके आता हूँ। नहीं शेरी आपको कोई और आइटम सोचना पड़ेगा। बाबा सुस्त तो होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है इतने महंगे आइटम की, कोई 2-4 लोगों की बात नहीं है, अच्छे खासे लोग हैं और अभी लिस्ट मजीद तैयार हो रही है, लोग ऐड हो सकते हैं उसमें। वैसे भी बेटा देखो हमारी इफ्तार पार्टी है ना, थोड़ी ट्रेडिशनल डिशेज होनी चाहिए, है ना? वही समोसे पकौड़े और चाट। शेरी सबसे ज्यादा तो तुम ही खाते हो। यार वैसे बारबेक्यू तो मस्त है। और बाबा 2-3 चाइनीज या थाई आइटम्स। हाँ ये अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मैं इतने सारे लोगों का खाना बनाने वाली नहीं हूँ, वो भी रोजे की हालत में। मैं आपको अभी से बता रही हूँ, केटरिंग से आधा खाना बनेगा और 5-6 डिशेस बनेंगी। ठीक। अम्मी आ जाइए ना, पकौड़े काफी हैं, बस कर दें अब। और तुम कभी नानो की हेल्प करा दिया करो इफ्तार के टाइम जाके, हर वक्त यहाँ बैठ जाती हो आके, सारा काम अकेले करती हूँ बेचारी। बेटा मैं ये ट्रे बना रही हूँ, नीचे जाके गार्ड को दिया, यहीं पर ही उसका भी रोजा होगा। अभी हिम्मत नहीं है नानो, बाद में। बेटा उसने रोजा भी तो खोलना होगा ना। आपको कैसे पता कि उसने रोजा रखा है या नहीं? और वैसे भी वो हमारा कोई प्राइवेट गार्ड नहीं है, पूरी सोसाइटी का गार्ड, हमारी ड्यूटी नहीं है कोई। अगर उसने रोजा रखा है तो उसने कोई निजाम किया होगा, कोई जरूरत नहीं आपको जाने की, बैठो आराम से। अल्लाह
देखो तो सही, आधी आधी प्लेटें खाने की छोड़ दी। ऐसे रिस्क की बेहुर्मती करते हैं कि इन लोगों को जरा ख्याल नहीं है। शहरी शहरी इधर आओ बेटा, इधर आओ जरा, सामने वो बैठे होंगे ना गुब्बारे वाले उधर ग्रीन बेल्ट की उस तरफ, उन्हीं के पेट में पड़ जाए, फेंकने से तो बेहतर है ना। जरा सी जो है इनको ख्याल हो के इतना निकालें जितना खाना हो। मैं सोच रही हूँ कि मेहमान थोड़े से ज्यादा ना कर ले। अभी तो मैं 18 लोगों से मसला हो रहा था, अभी तुम कह रही हो कि हम और लोग ऐड कर लें। देख लें, आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ। एक्चुअली आप अपने बहन भाइयों को इफ्तार डिनर दिए बगैर रह भी तो नहीं सकते ना, वो तो आपने लाजमी करना है। तो जब घर में ऑलरेडी एक दावत हो रही है तो क्यों ना उनको उसी में इन्वाइट कर लें। इससे हमारा खर्चा भी डबल नहीं होगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं होगी। यार तंजीले, ही एक ऑफिशियल डिनर है, इस तरह फैमिली को इन्वॉल्व करना पता नहीं। देख लें, आपको अपने फैमिली के बारे में ज्यादा बेहतर पता है, वो बहुत जल्दी बुरा बना लेते हैं। जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे घर में इतनी बड़ी दावत हुई है और सारे लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं और हमने उनको इनवाइट नहीं किया, तो वो बहुत बुरा मना सकते हैं। और इस पे तो ज्यादा बुरा मना सकते हैं जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी अम्मी भी यहाँ मौजूद है। उनको क्या पता कि वो इत्तफाक से यहाँ मौजूद है, वो तो यही समझेंगे ना कि आपने मैंने उन्हें अलग से इन्वाइट कर लिया है और आपके घर वालों को नहीं किया। क्या तो सही थी हो? मेरी माँ ने ना, तो जहाँ 18-20 लोग हैं वहाँ हम 28-30 कर लेते हैं। बाकी बता रही हूँ, काफी बचत हो जाएगी, डबल खर्चा नहीं होगा हमारा। ठीक है, मैं कल फोन करके उन सबको इनवाइट करता हूँ। जी 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 जी, जो चाइनीज है वो आप फैमिली सर्विंग कर दीजिए 3। इसके अलावा दही बड़े, पकौड़े और फ्रूट चाट, ये जरूर कर दीजिएगा प्लीज। और टाइम का ख्याल बहुत रखिएगा क्योंकि मेहमान हमारे सारे टाइम पर आ जाएंगे और इफ्तार डिनर है, आपको पता है हर चीज टाइमली होती है। थैंक यू। किसका क्या नाम था? आयशा। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम, इज दिस आयशा? नानू, आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, आप प्लीज कल से रोजे मत रखिएगा। अरे बेटा, रोजे से कुछ नहीं होता, ये जो हम सहरी में तली हुई चीजें खाते हैं ना, इसकी वजह से तबीयत खराब होती है। अब भाई मैं जो है ना सहरी और अफतारी बिल्कुल सादी करूंगी ताकि तबीयत सही रहे। लेकिन नानू, आपकी एज भी तो इतनी है, अगर आप रोजा नहीं भी रखे तो क्या? इसका मतलब तुम नानू को बूढ़ा कह रही हो है? देखो भाई, घर के बड़ों का रोजा रखना बहुत जरूरी होता है ताकि सबकी हिम्मत बनी रहे। अब मैं रोजा छोड़ दूंगी तो फिर सबकी हिम्मत टूट जाएगी। एनी, मामा गए? वो मार्केट गई हुई है। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत रोजा लग रहा है। सहरी के बाद क्रिकेट खेलने चले जाते हो, खुद को इतना थका लेते हो, तो रोजा तो लगेगा ना बेटा। तो क्या करूँ नानू, सहरी के बाद नींद मंगाने के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, अगर सो जाऊंगा तो स्कूल के लिए कैसे उठूंगा? एक तो रमजान की वजह से सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। अब प्लीज मुझे कोई सुबह सहरी के लिए ना उठाए, मैं सिर्फ वीकेंड पर रोजे रख लूंगा। एक ही महीना तो होता है रमजान का, अब तुम शादी ब्याह में जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, उससे भी तो रूटीन आउट होती है कि नहीं? तो बेटा रमजानों में रोजे के लिए बहाना नहीं करना चाहिए। शेरी देखो, नानू इस एज में भी रोजे रख सकती हैं, और मामा रोजे की हालत में घर का सारा काम करते हैं, और बाबा रोजे में ऑफिस भी जाते हैं, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा भाई, रख लूंगा। देखा तुमने, मैं इसलिए रोजा नहीं छोड़ती हूँ, सबको बहाना मिल जाएगा फिर छोड़ने का। अरे आज आप जल्दी आ गए, मार्केट में ना चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ बिल्कुल। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर जाती हूँ इफ्तार बनाने के लिए। अब वो मैंने कॉल्स की थी सबको इनवाइट करने के लिए। अच्छा, तो क्या नया एतराज किया आपकी भाभी ने? नहीं नहीं, वो तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था, थैंक यू। अब जबरदस्ती मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, असल मुद्दा बताइए। यार वो भाईजान कह रहे थे कि देखो अब
विनायल की शादी होगी है तो उससे एक अलग इनवाइट देना चाहिए हमें। चलो, एक तो इनकी फरमाइशें मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, जा इतने लोग वहां, दो और सही। दो नहीं, छह। छह? कौन कौन है? विनायल अपनी सास, ससुर, नंद और देवर सबके साथ आना चाहती कि कहीं उसका हस्बैंड माइंड ना कर जाए। अब आप इनवाइट कर ही चुके हैं तो क्या किया जा सकता है, देख लेते हैं, बुला लीजिए। नानू बस आज आप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, मैं मम्मा मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आपकी तबीयत बहुत खराब है। अरे बेटा मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मेरा बीपी भी नॉर्मल है। सलाम अलैकुम। जीते रहो। शेरी कहाँ पर है? वो बाहर गया है। तुम शरबत लेकर आ जाओ। दरअसल बेटा मैंने भेजा है शेरी को, दरअसल मुझे आज मस्जिद में अफ्तारी भिजवानी थी तो मैंने कहा मार्केट से खरीद के मस्जिद में दे आना। अभी वैसे ये टाइम नहीं था कोई उससे इस तरह मार्केट में जाने। आता ही होगा, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। अम्मी आप मुझे बोल देती ना, मैं भी तो कितनी बार बाहर गई थी। हाँ बस वो मामा आपको पता है नानू ने आपको इस तरह नहीं बताया क्योंकि फिर आप नानू से पैसे नहीं लेती, और आपको पता है नानू ने शरी को अपने पास से पैसे दिए। अम्मी ये क्या सुन रही हूँ मैं, आप किसी गैर के घर में रह रही हैं? देखो बेटा जकात और खैरात और तोहफा इंसान को अपने पैसों से देना चाहिए जब ही इसका अजर मिलता है। चलो अजान होने वाली है निकालो, बल्कि तुम ऐसा करो कि मेरे पास कुछ पैसे हैं तुम वो ले लो, फिर चाहे बाद में वापस कर देना। आपसे क्यों ले लूं मैं पैसे, और भाई क्या सोचेंगे, दो महीने आपको यहाँ रखने के मैंने किराया वसूल किया है। मैंने अभी वेदर फोरकास्ट देखा, बारिश बहुत तेज होगी। ओह नो, यानी हमारा ये कॉन्सेप्ट भी फ्लॉप हो गया। यार उनके कहने से क्या होता है, लास्ट फ्राइडे याद है क्या हुआ था, उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया था बारिश होगी, हम पूरा दिन वेट करते रहे, एक कतरा नहीं बरसा। खैर है लेट्स टेक द रिस्क। इतना एहतमाम किया था सब जाया हो गया, समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। और आप, आपको जब पता था कि मौसम खराब होने वाला है तो सीरियसली ले लेते ना इस बात को। अपने घर वालों के लिए तुम्हारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है, मेरी मरी है सब होते। अभी अपने घर वालों को तो बड़ा बोल रही थी, अगर आप में से किसी को पैसे चाहिए मेरे से मांग ले, मैं देती हूँ। तो अम्मी ने कौन सा मुझसे पैसे ले लिए और कौन सा मैंने उन्हें दे दिए पैसे, और अगर उनको चाहिए भी होते ना तो 2,500 से ज्यादा नहीं लेती वो। आप तो मुझसे मेरी पूरे साल की सेविंग मांग रहे हैं। तंजीला कौन सी कोई आयाशी करने के लिए मांग रहा हूँ, तुम्हें पता है किस लिए मांग रहा हूँ, तुम्हें पता है डिनर है, ये सारी बागडोर मैं सिर्फ तुम्हारे और बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ। तो क्या जरूरत थी लोगों को इन्विटेशन देने की जब आपका बजट नहीं था तो? वैसे भी जितने आपके ऑफिस के लोग हैं उतने ही आपकी फैमिली के भी हैं, फिर मैं क्यों उसमें हेल्प करूं? तो ये मशवरा भी तो तुम्हारा ही था ना, तुम्हारी वजह से तो खर्चा डबल हुआ। पिछले एक साल से सेविंग करती आ रही हूं सिर्फ इसलिए कि ईद के बाद बच्चों को कहीं बाहर घुमाने लेके जाऊंगी। घुमाना तो दूर की बात, 3 साल से हम लोग शहर से बाहर नहीं गए। उधार समझ के दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस यार। तंजीला, तंजीला, शाम में जो कुछ भी बनाना है मुझे बता देना, सब्जी वगैरह काट दूंगी मैं।
देखो बेटा, मियाँ बीवी के मामले में दखल अंदाजी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम ये सोचो एक हफ्ते में ये तीसरी बार झड़प है तुम्हारी, तुमने सोचा है इन बातों का बच्चों पर कितना बुरा असर होता है? रहने दे अम्मी, अगर मेरे मैके की दावत होती ना तो पता चल जाता कि किसका कितना क्या है। तंजीला बहुत बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं करते। बल्कि तुम ऐसा करो कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम वो ले लो, फिर चाहे बाद में वापस कर देना। आपसे क्यों ले लूं मैं पैसे, और भाई क्या सोचेंगे? 2 महीने आपको यहाँ रखने के मैंने किराया वसूल किया है। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारा भाई मुझे इतने पैसे दे के गया है कि मैं 2 साल तक भी खर्च करूँ ना तो खत्म नहीं होंगे। हाँ लेकिन फिर भी अपने पैसे आप अपने पास रखें, मेरे पास है पैसे। लेकिन लगाने का हौसला नहीं है ना? लेट हो गए, वॉलेट किधर है यार? तंजीला मेरा वॉलेट किधर है यार, लेट हुआ हूँ मैं। ये लीजिए आपका वॉलेट और ये पैसे। थैंक यू सो मच यार, ये मैं तुम्हें सूद समेत सब वापस कर दूंगा। अब अगर ऊपर से मेरे पैसे लग ही रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपने कुछ गेस्ट को बुला लूं। मसलन कौन? वो जो रहमान अंकल हैं, वो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, उनको इनवाइट करूंगी और कुछ अपनी फ्रेंड्स को। यार वो तुम्हारे सगे चाचा तो नहीं है मतलब। ठीक है यार तुम बुला लो, तुम रहमान अंकल को भी बुला लो, तुम अपने दोस्तों को भी बुला लो, मुझे तुम्हारी अम्मा का फेवरेट गार्डन है उसे भी बुला लो। यहाँ पे रखो थोड़ा सा, आके 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 बस। अब जल्दी से आओ मेरे साथ, ये आके थोड़ा सा खिसका, जल्दी से। नानू नहीं निकल रहा ना। बेटा कोशिश करो, इसको पाइप के ऊपर खींचो ना तो निकल जाएगा। देखो बेटा दरअसल मुझसे मासी ने नीचे मशीन लगाई हुई है तो सारे पर्दे एक साथ ही धुल जाएंगे। नानू नहीं निकल रहा। निकल जाएगा निकल जाएगा, उठाओ उसको ऊपर। नहीं नहीं बॉस, मुझे आपकी रीअश्योरेंसेस नहीं चाहिए। देखें खाना ना बिल्कुल टॉप क्वालिटी होना चाहिए, कोई मेरा एक गेस्ट भी कंप्लेन नहीं करे जी। और ये कोई मजाक नहीं है यार, आप इफ्तारी से 5-10 मिनट पहले आ रहे हैं खाना लगा रहे हैं, मतलब गेस्ट बैठे हो खाना लग रहे हो, अच्छा थोड़ी लगते है यार। नहीं ये इसी तरह होना चाहिए क्योंकि इसी चीज के मैं आपको पैसे दे रहा हूँ जी। थैंक यू। अरे जीती रहो मेरा बेटा, अभी मैं उठने वाली थी पानी के लिए, दवाई खानी है ना। क्या हुआ, भाई से लड़ाई हुई है क्या? नहीं। तो मम्मा ने डांटा है? डांटा नहीं मगर। अच्छा मगर क्या, बैठो यहाँ। हाँ बताओ क्या हुआ। नानू देखे ना, मैंने ईद के लिए इतना अच्छा जोड़ा पसंद किया था लेकिन मामा ने मना कर दिया, कितना महंगा है और सारे पैसे इफ्तार पे खर्च कर दिए। तो देखो बेटा उनके अंदाजे से ज्यादा खर्चा हो गया है, हाथ तो तंग होगा ना। तो क्या जरूरत है इतना ओवर बजट करने की। अब चलो जो होना था वो तो हो गया, तुम ऐसा करो कोई और जोड़ा पसंद कर लो। ये कैसी इफ्तार पार्टी है जिसको करने के लिए हमने 1 साल से वेकेशन की प्लानिंग की थी और उसके भी पैसे चले गए। ईद पे ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए और मुझे तो लगता है कि बाबा ईदी भी नहीं देंगे और वो कहेंगे कि इफ्तार पे खर्च हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी तुम्हारा जोड़ा भाई, मेरी तरफ से तुम ईदी समझ लेना, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये पैसे अपने पापा को दे। ये पैसे किससे लाने? देखो बेटा मुझे बाजार से कुछ सामान मंगाना है, अब मैं अगर तुम्हारी अम्मा से कहूंगी ना तो मुझसे पैसे नहीं लेगी, तो तुम इसलिए ये पैसे वहीद को दे देना ले जाके, ठीक है? वैसे भी आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा है, बादल आए हुए। हाँ ये भी पता है, अच्छा आइडिया। हाँ मामा मैंने अभी वेदर फोरकास्ट देखा, बारिश बहुत तेज होगी। ओह नो, यानी हमारा ये कॉन्सेप्ट भी फ्लॉप हो गया। यार उनके कहने से क्या होता है, लास्ट फ्राइडे याद है क्या हुआ था, उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया था बारिश होगी, हम पूरा दिन वेट करते रहे, एक कतरा नहीं बरसा। खैर है लेट्स टेक द रिस्क। बाबा मैं पूछने आया था कि नानू पूछ रही हैं कि इनका काम हो चुका है। नहीं बेटा मैं भूल गया, आप कोई नहीं, अभी मैं कोई 5-10 चक्कर लगाऊंगा बाहर, मैं कर लूंगा काम, आप जाओ उन्हें बताओ कि बाबा कर देते हैं काम, ठीक है?
क्या काम बोला उन्होंने? यार पता नहीं, कल कहीं से आ रही थी तुम्हारी अम्मा, कोई उन्हें सोसाइटी के बाहर कोई लॉन है, वहां पर कुछ लोग बैठे हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रही कि मजदूर हैं कच्ची आबादी से आए हैं। That's not important. बेसिकली उन्होंने वहां पे झुग्गियां लगाई हुई है और पूरी सोसाइटी कंप्लेन करी कि यार इन्हें यहाँ से उठाए, इन्हें यहाँ से उठाए, तुम्हारी अम्मा कहने की बेटा जाओ देख लेके उनकी दावत करो। पता नहीं क्या चाहती है तुम्हारी अम्मा, आज का क्या मतलब। मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी, आप क्या करेंगे? पता नहीं यार। बस इसी की कमी रह गई थी, लाइट भी चली गई। शेरी बेटा जाओ जनरेटर ऑन करो। संजीला मुझे लगता है मेहमानों से मार सकता है, अब लाइट कोई दो तीन घंटे में आने तो वाली नहीं है। अभी रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे पहले केटरिंग वालों से बात करने दे, हो सकता है वो हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दे, और अगर वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि खाना भी आ जाए और मेहमान भी ना आए। हाँ यार, लेकिन पता है बहुत ध्यान से बात करना, मुझे लगता तो नहीं है कि वो लोग कैंसिल करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ हजार का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे आप। यही तो मुसीबत है, दो जगह लैंडलाइन नंबर है और दोनों के दोनों डेड है, और जो एक मोबाइल नंबर है वो बात होने से पहले ही लाइन कट जाती है। बाबा बाबा नेट का फ्यूज बहुत कम है। क्या अजाब है ये? नहीं नहीं सर, इट्स कंप्लीटली फाइन, मैं समझ रहा हूँ, मुझे मेरे सामने ही हो रही है, पूरे शहर के हालात में मुझे नजर आ रहा है। जी सर, जी जी, नहीं नहीं सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर, ऐसे तो नहीं करें। नहीं नहीं सर, थैंक यू सर। जी भाईजान, आप लोग निकल रहे हैं क्या? घर में कैसे पानी आ सकता है भाईजान, ये तो कभी भी नहीं हुआ। नहीं नहीं भाईजान, ऑब्वियसली घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग परेशान नहीं हो, आपसे पहले भी काफी कॉल आ चुकी हैं। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, मोस्ट प्रॉब्ली भाईजान ये अब कैंसिल ही करना पड़ेगा सब। जी जी, नहीं नहीं, वो मेरा एक दोस्त भी निकला हुआ था बाहर, वो बेचारा अभी रोड पे ही फंसा हुआ है, उसकी गाड़ी तो डूब गई है बिल्कुल पानी में। पिछले एक घंटे से मैं आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके यहाँ कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। मुझे अपना ऑर्डर कैंसिल करवाना था। मैडम ऑर्डर चंद घंटों में कैंसिल नहीं हो सकता। क्या हुआ? देखे ना वही बिना वजह बहस कर रहे हैं, जब हमारे मेहमानों ने ही नहीं आना तो इतना सारे खाने का हम क्या करेंगे। मैडम मैं इतनी बारिश में पता नहीं कैसे डिलीवरी करने आया हूँ ताकि आप लोगों का इवेंट खराब ना हो। ठीक है यार, आप इधर साइड पे रखो और मुझे बताओ कितना रसीद, तो हमने 50% एडवांस दिया है ना, तो ये बाकी पैसे मैं आपको दे रहा हूँ। अरे लेकिन वही तंजीला, कुछ काम करने के कुछ तरीके हो, इनका काम है डिलीवरी करना और हमारा काम है पेमेंट। जी ये लो 50% हम आपको एडवांस दे चुके हैं, तो ये लो ये बाकी है, ये काउंट कर दो, ये तेरी छोड़ दो। दूसरी डिलीवरी भी ऑन द वे। तंजीला खाने पीने का सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ है, रिस्क सारा दरवाजे पे पड़ा, उठाओ उसे। इतना तमाम किया था, सब जाया हो गया, समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। और आप, आपको जब पता था कि मौसम खराब होने वाला है तो सीरियसली ले लेते ना इस बात को, पता तो है जब बारिश होती तो शहर का हाल क्या हो जाता है। मेरा ही नुकसान हुआ और तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। बेटा कैसा नुकसान, खाने पीने की चीजें हैं संभाल के रख दो, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दोबारा गर्म होने के बाद इस्तेमाल में आ जाएंगी, और मेहमानों का क्या है, कल नहीं आए तो परसों आ जाएंगे। हमारे साथ हमेशा यही होता है, बाहर निकलने का प्लान करते तो लॉकडाउन लग जाता है, बर्थडे करने का सोचते तो फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, और अब ये। बेटा बुरी बात है,
ऐसी नाशुकरी की बातें नहीं करते। अपने ताया को देखो, उनके घर में कितना पानी भर गया, सारा सामान खराब हो गया। हमसे ज्यादा तो वो लोग परेशान हैं। और बाहर देखो कितनी बाइक और गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। अरे लोगों की तो छतें गिर गईं। हम तो बहुत बेहतर हैं लोगों से। लो वो छुक्की वाले बेचारे, उनका क्या हशर होगा, उनके तो तमाम घर ही तबाह हो गए हैं। इतनी तेज बारिश में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं बेचारे, क्या होगा उनका। मांडिया, आई एम सो सॉरी, वो आपने वो देख कर कहा था बिरयानी की एक देख वो जोगी वालों के लिए, वो बारिश की वजह से मैं जा ही नहीं सका। ये आपके पैसे रख लो बेटा, अपने पास ही रख लो, ये मैंने सदके के निकाले थे, किसी गरीब को दे दे। ठीक है। मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, सब कुछ होना जरूरी नहीं होता, लेकिन जितना है उन सब में बरकत होना बहुत जरूरी है। देखिए ना, हमारे पास सारी नेमतें हैं, सब कुछ है, लेकिन उनमें बरकत नहीं है। किसने कहा बरकत नहीं है? तुम्हारी अम्मा का ना दिमाग खराब हो गया। एक तो बंदा पहले परेशान है, इतना नुकसान हो गया, और वो वहम डाल रही है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि हमें हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है। नहीं, अब ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझसे, ये तो मैं ही सोच रही हूँ, ये सब कुछ मुझे ही याद आ रहा है। अब देखे ना, मासी की तनख्वाह बढ़ाने की बात आई तो हमने मना कर दिया, हालांकि महंगाई का रोना हम खुद भी रो रहे होते हैं। चौकीदारों और गार्डों को जब बचा हुआ खाना देने की बात आती है हमें वो भी बुरा लग जाता है। ज़कात और खैरात का जब भी मामला आता है हम वो भी पूरा नहीं करते, तो फिर हमारे कामों में बरकत कैसे होगी? यार तजीला प्लीज, ये फजूल बातें नहीं करो मेरे से। है बरकत हमारे रिस्क। इफ्तारी का टाइम हो गया, जाओ इफ्तारी लगाओ और बच्चों को बोलो। नहीं, पैक कर दी, मेरे दोस्त आते ही होंगे। लेकिन शहरी, बाहर इतना पानी है, तुम कैसे जाओगे? चले जाएंगे, वो साइकिल ला रहे हैं, यहीं स्ट्रीट से निकल गई तो है प्लाजा, इतना दूर थोड़ी है। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। ये लो। एनी, नानो खुश होंगी ना, नमको पता चलेगा। अल्लाह खुश होंगे। ये लो। बेटा तंजीला को और वहीद को तो बुला लो, रोजे का वक्त हो रहा है। जी नानू, वो बस आ ही रहे हैं। आ जाओ बेटा, बैठो। ने शौक से ये सब बनवाया था, मेरे तो हलक से नहीं उतरेगा। अरे क्या तुमने मगरिब के वक्त रोना धोना डाल दिया? अब रिजक की बेहरवती तो मत करो ना। बेटा शेरी का वो बस आता ही होगा। कहाँ रह गया शेरी? कहीं बाहर तो नहीं चला गया बारिश में भीगने? मामा बारिश रुक गई है। जी बेटा, लेकिन सड़कों का तो वही हाल है ना। थारो मैं उसे कॉल करता हूँ। बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है रोजे? खामोश रहो, रहने दीजिए हमें। इससे भी कुछ खाया नहीं जा रहा है, इतने हजारों का सामान सुबह तक खराब हो जाएगा, ना लाइट है ना फ्रीजर चल रहा है कि स्टोर कर सकते। कुछ जाया नहीं जाएगा। आपने बाबा ने इफ्तारी की नियत से मंगवाया था ना, इफ्तार के ही काम आ रहा है। बस इस बार मेहमान आपके नहीं, अल्लाह के मेहमान है। क्या क्या मतलब? ये देखें, शेरी की वीडियो कॉल। वो वहां प्लाजा के बेसमेंट में उन जग्गे वाले बेघर लोगों को खाना खिला रहा है। देखा, कुछ भी जाया नहीं हुआ और ना ही आप लोग घाटे में रहे। घाटा? अरे मेरे बच्चे ने सवाब कमाया है, सवाब।
जाने कैसे कब कहां बंदा ये खो गया है मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। वही मैं एक बात सोच रही थी, ईद में सिर्फ 3 दिन रह गए, कम से कम आप अपने और शेरी के लिए तो जाके आज शलवार कमीज ले आइए। चलो देखते हैं। एक और आइडिया है मेरे दिमाग में। मैं सोच रही थी कि ईद के तीसरे चौथे दिन हम दावत करते हैं और उसमें आप अपने कोलीग्स और बॉस को भी बुला लीजिएगा। फिर से खर्चा? हाँ खर्चा तो है, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना। आप ही ने तो कहा था कि आपकी प्रमोशन का मामला है। यार सच पूछो तो आप मेरा दिल नहीं मान रहे, मुझे लगता है मेरा तरीका गलत है। क्या मिलेगा ये लोगों की खुशामद करके? अगर तरक्की हमारे नसीब में हुई ना तो मेरी मेहनत और काबिलियत की वजह से मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। क्या हुआ, किसका मैसेज है? मैंने कहा था ना लोगों को खुश करने से कुछ नहीं होगा, हमने अल्लाह को खुश करने की कोशिश की और अल्लाह ने हमें नवाज दिया, होगी प्रमोशन। वाकई माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखो अल्लाह को हमने खुश किया, सामने मिला।